नील और ऐश्वर्या एक ऐसी पर्सनालिटी है, साथ में भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी, कि वो लोग कैमरा के लिए कभी ये भड़केंगे नहीं या तमाशा नहीं करेंगे। जो है अगर गुस्सा आ रहा है मतलब जेन्युइनली गुस्सा आ रहा है, वो लोग उनमें से है ही नहीं जो कैमरा के लिए या दिखने के लिए करेंगे। तुम चढ़ के मुँह के यार इतना पास कोई मुँह पे कैसे आ सकता, और जानबूझ के ऐसा अब लग रहा है कि उसको ना एक रिमोट दिया है, अभिषेक बजो तो वो बज रहा है, अभिषेक शांत हो जाओ तो वो शांत हो जा रहा है। तो बहुत ओवरडन लग रहा है वो, इट्स नॉट लुकिंग एंटरटेनिंग एनी मोर। ईशा का जो बॉयफ्रेंड है समर्थ, वो भी घर के अंदर जाने वाले हैं और घर के अंदर लव ट्रायंगल बन सकता है, तो उस चीज के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? अगर जा रहे हैं या बॉयफ्रेंड है तो अच्छी बात है, अभिषेक और पागल होगा, उसको भी और कंटेंट फुटेज मिलेगा, तो अच्छी बात है, भेजो अंदर। वियान टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। गुम है किसी के प्यार में आपका लास्ट शो जो था टीआरपी में अब नंबर 1 पे आ गया है, पहले तो क्या कहना चाहेंगे, कितना मिस कर रहे हैं शो को? एक्चुअली मिस तो इतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तो 4 महीने हो गए, बट आई एम वेरी हैप्पी कि शो नंबर 1 है। जब हम थे तब भी नंबर 1 गया था, वी ऑल सेलिब्रेटेड ऑन द सेट। ओके, शो को कितना फॉलो कर रहे हैं और नई कास्ट कैसी लगी आपको? यार फॉलो तो ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल नहीं किया है, मैंने फर्स्ट एपिसोड शायद देखा था इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ, क्योंकि आई बिलीव इन डिस्कनेक्टिंग, एक बार जैसे ही हो जाता है, बट जानता तो मैं, आई थिंक आई नो वन ऑफ द एक्टर्स, मैंने उनका पहले काम किया आज था। ओके, आपकी सिस्टर ऐश्वर्या इस समय बिग बॉस के घर में है नील के साथ, कितना बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं और उन्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं? फॉलो तो मैं रोज करता हूँ, तो रोज देखता तो रोज हूँ, और रोज ऐसे देखते हुए लगता हूँ कि आज कुछ ऐसे हंगामा ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, बट ऑफकोर्स गेम ही वैसा है। ऐश्वर्या की और आपकी हमने बॉन्डिंग देखी है, आप लोग साथ में रील बनाते हैं, इनफैक्ट रक्षाबंधन को भी ऐश्वर्या आपके यहाँ आती हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप अपनी बॉन्डिंग के बारे में ऐश्वर्या के साथ, और शो में वो कैसी है, वैसा रियल लाइफ में भी उनका नेचर है या फिर कुछ डिफरेंट है? बॉन्ड तो हम दोनों का काफी अच्छा है, 2 साल से हम एक दूसरे को राखी, वो मुझे राखी बांध रही है, और जेन्युइनली ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम एक दूसरे को सिर्फ 2-2.5 साल से जानते, ऐसा लगता है कि बहुत पुराना रिश्ता है। यू नो वो होते हैं कुछ लोग जिनसे आप मिलो और कनेक्ट हो जाते हो, तो उसके बाद वही है। और जहाँ तक बात रही कि यार मेरे को लगता है घर में ना आप कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, क्योंकि जब इतने सारे लोग होते हैं ना आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट आई फील जितना भी जो भी अभी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई नो अगर ऐश्वर्या ऐसी पर्सनैलिटी की अगर फट गई तो फट गई, फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने लाइव एग्जाम्पल देखा है, तो मुझे पता है कि उसकी जैसी जो पर्सनैलिटी है वो शी इज़ मेंट फॉर बिग बॉस, इवन नील इज़ मेंट फॉर बिग बॉस, बट आई फील ऐश्वर्या में ना वो एक वो बोलते ना वो एक फैक्टर है, वो ना वो झट से कुछ ना कुछ कर देगी। जैसे कल भी मैं एक एपिसोड देख रहा था, तो उसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट सीन में ऐश्वर्या करके करती, ये हम सेट पर बहुत करते थे, इनफैक्ट जब मैं और ऐश्वर्या और नील भी हम चिल करते थे, कभी हमारा आर्ग्यूमेंट होता था तो मैं और ऐश्वर्या से मिलकर नील का करके चढ़ा के मुंह बंद करवाते थे, मस्ती मस्ती में ऑफकोर्स। तो अच्छा लग रहा है दोनों को अंदर देखकर, दोनों एक दूसरे की बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, एंड आई होप एंड आई प्रे कि इसी तरह दोनों बहुत आगे तक जाए। किसकी एंट्री आपको सबसे धमाकेदार लगी शो में? इन दोनों के अलावा मैं नाम लूंगा, मुझे मनारा की एंट्री बहुत अच्छी लगी, आई फील वो पर्सनालिटी जो है वो तो एक एंटरटेनमेंट पैकेज है बिग बॉस के लिए, नो उसमें ड्रामा है, इमोशन है, फाइट है, सब है, सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस टू मनारा इज माई फेवरेट, आई रियली लाइक हर। ओके, टॉकिंग अबाउट मनारा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बिग बॉस जो है जबरदस्ती मनारा और मुनावर का एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं? बिकॉज कई बार ऐसा बिग बॉस कुछ कर दे रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे लोगों का कहना है, व्हाट डू यू थिंक? यार अगर कर भी रहे हैं तो अच्छा है, इट्स वर्किंग फॉर देम, दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो जो भी है अच्छा ही है, दोनों के बीच की बात है, मैं क्या ही टिप्पणी दूं दोनों के, आई डोंट इवन नो देम, बट हाँ अच्छी है, फन है, और अभी बिग बॉस का फॉर्मेट ही ऐसा है कि यू नो यू नेवर नो आज कुछ है कल कुछ नहीं है, सो देखते हैं, अभी तो बहुत 2 हफ्ते ही हुए। ओके, टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट, इस बार का जो फॉर्मेट है दिल दिमाग और दम, तो आपको क्या लग रहा है ये फॉर्मेट मतलब अच्छा है, काम कर सकता है आगे आने वाले एपिसोड्स में? बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कंटेस्टेंट्स काफी लो हो गए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बिग बॉस को बार बार उन्हें वेकअप कॉल देना पड़ रहा है। राइट, यार देखो आई थिंक एवरी सीजन एक अपने अलग फॉर्मेट के साथ आता है, आई थिंक लास्ट सीजन भी ऐसा ही कुछ एक फॉर्मेट था 3 रूम्स का, और आई थिंक कल के एपिसोड में तो देख के लग रहा है कि जो ये किचन को लेकर जो उनका झगड़ा हुआ या आर्ग्यूमेंट हुई, दे पहली बात तो सब साथ में आ गए खाने को लेकर, यू नो सबने अपना खाना बांटा, वो दंड मिला बाद में वो अलग बात है, बट आई फील फॉर्मेट तो अब उनका है, दे नो बेटर, बट आई फील जितना भी है वेकअप कॉल तो यार देखो शुरू शुरू में मिलता ही है, 1-2 हफ्ते तो आपको लगते ही एडजस्ट और अकोमोडेट होने के लिए, बट अब आगे देखो क्या होता है। ऐश्वर्या और नील के अलावा घर में और 2 जोड़ियां हैं, एक कह सकते हैं कंप्लीट जोड़ी और एक इनकम्प्लीट जोड़ी है, तो आपका क्या है कहना उस बारे में? आपको विकी एंड अंकिता की जोड़ी कैसी लग रही है और अभिषेक ईशा की जोड़ी कैसी लग रही है?
आई थिंक विक्की और अंकिता की जोड़ी काफी एक नॉर्मल कपल की तरह है. हर कपल में अपने इश्यूज होते हैं, झगड़े होते हैं, अटेंशन प्रॉब्लम होती है, तो उनका तो काफी नॉर्मल है. हाँ, वो नेशनल टेलीविजन पे एकदम से ऐसे उठकर बड़ी न्यूज बन जाती है, बट अगर आप वैसे देखने जाओगे तो वही नॉर्मल सीन ओनली. तो नेशनल टीवी पे इतना हाइपअप हो जाता है. तो और जो दूसरी जोड़ी है तो मैं क्या ही बोलूँ, तो मुझे एकदम ऐसे लगता है फेक जोड़ी है. मेरे को तो समझ नहीं आई अब तक फर्स्ट डे क्या इक्वेशन है कि भाई साथ में रहना है नहीं रहना है, एक दूसरे के साथ हैं भी नहीं भी हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे वो क्या बोलते हैं कंजर भी बोक रहे हैं. तो मुझे तो समझ नहीं आता ये कपल, एंड आई फील इट्स जस्ट वो गेम वाला ही कपल लगता है मेरे को तो ऑनेस्टली. ओके, जैसा कि शो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सेट पे नील एंड ऐश्वर्या काफी एक्टिव था, लेकिन घर में जाने के बाद दोनों जो है काफी डाउनफॉल हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि शो में वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे. बिग बॉस ने कई बार ऐश्वर्या और नील को वॉर्न भी किया कि कुछ करो, एंड देन सडनली ऐश्वर्या जो है नील से कहती है कि तू अपना देख मैं अपना देखूंगी. आपका क्या टेक है इस पे, क्या ऐश्वर्या ने जो कहा वो सही है या फिर नहीं? यार इवन इफ देयर अ कपल देयर टू डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटीज. आई फील ऐश्वर्या की पर्सनालिटी बहुत अलग है, नील की पर्सनालिटी बहुत अलग है. जब हम साथ में भी काम करते थे या बाहर घूमते थे, ऐश्वर्या बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, नील बहुत कामली पेशेंटली समझ कर तोल फोल कर फिर वो अपना रिएक्ट करता है. तो आई थिंक उसका कहना गलत नहीं था कि तू अपना रिएक्ट कर, बिकॉज क्या होता है ना, जब आप एक कपल होते हो आपको उसी कैटेगरी में डाल देंगे कि अच्छा ये भड़केगी तो ये भड़केगा या ये भड़केगा तो ये भड़केगी. तो आई फील इंडिविजुअल गेम तो दोनों को अपना खेलना ही चाहिए, ऑफकोर्स खेलना चाहिए. दोनों एज अ कपल तो गए हैं बट इंडिविजुअल भी अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट जहां तक बात रही अपना खेलना ये खेलना, यार ये तो चलता ही रहेगा यार ये, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ऐश्वर्या इज लाइक अ पॉपकॉर्न, वो आप कुकर में रखोगे वो पट 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 करके भरेगी. नील इज लाइक अ स्लो सब्जी, वो आराम से अपना टाइम लेगा ये करेगा. तो उसको कोई वैसा वो नहीं कि अच्छा मुझे आज तमाशा करना है. ऐश्वर्या का क्या है, वो पूरी एक्सट्रोवर्ट है, उसको चीजों का बुरा भी बहुत जल्दी लगता है, उसको चीजें अच्छी भी बहुत जल्दी लगती है. तो अब ये तो दोनों की पर्सनैलिटीज का मिक्स एंड मैच खिचड़ी करके अंदर डाल दिए. ओके, टॉकिंग अबाउट नील, लास्ट एपिसोड में नील यू नो भड़कते हुए नजर आए थे, जिसके बाद कई सारे टीवी एक्टर्स ने ट्वीट करके नील को कहा है कि ओवर एक्टिंग मत करो. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, आपको क्या लगता है वो जो नील भड़के थे दैट इज ओवर एक्टिंग और वो उनका नेचर ही है वैसा है? मेरा ना इस पे बस एक ही रिप्लाई है, मैं इसको ज्यादा दो लाइनों में खींचूंगा नहीं. नील और ऐश्वर्या एक ऐसी पर्सनालिटी है, साथ में भी इंडिविजुअल भी, कि वो लोग कैमरा के लिए कभी ये भड़केंगे नहीं या तमाशा नहीं करेंगे. जो है अगर गुस्सा आ रहा है मतलब जेन्युइनली गुस्सा आ रहा है. वो लोग उनमें से है ही नहीं जो कैमरा के लिए या दिखने के लिए करेंगे. वो लोग दो ढाई साल इतने बड़े हिट शो में दिखते रहे, तो आई डोंट थिंक उनको दिखने का इतना क्रेज है. अब वो कितना फुटेज कटता है कितना आता है वो तो टीम ही जानती है, बट आई डोंट, और जो भी ये लोग ये ट्वीट करें आई एम श्योर उनकी अपनी अलग एक ओपिनियन होगी, क्योंकि आप उनको नहीं जानते पर्सनली. जाहिर सी बात है आप देखोगे तो लगेगा कि फटी रहा है, बट कई बार क्या होता है ना, एक पाइलअप इमोशन आपका जमा रहता है और वो आउटबर्स होता है, जो बहुत नेचुरल और ह्यूमन है. हम सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है. तो आई फील फेक तो नहीं है, ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. अगर लग रहा है किसी को ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर वो उनका ओपिनियन है, उन पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. टॉकिंग अबाउट अंकिता लोखंडे जो है काफी पजेसिव होती हुई नजर आ रही है. अगर विकी किसी के साथ बैठ रहे हैं बात कर रहे हैं तो उन्हें वो चीजें हर्ट कर रही है, एंड वो काफी बार रोती हुई भी नजर आई. आपका क्या टेक है, क्या अगर हम एज अ कप अगर वो घर में एज अ कपल जा रही है तो उन्हें क्या विकी के साथ ही गेम खेलना चाहिए या फिर इंडिविजुअल गेम खेलना चाहिए? नहीं यार, मतलब इंडिविजुअल गेम ऑफकोर्स खेलना चाहिए, साथ में गए स्ट्रेंथ बनकर रहे. बट ये जो वो ये तो इनिशियली एपिसोड्स में मैंने भी देखा था कि ये जो एकदम जो वो अटेंशन की डिमांड हो रही थी वो बहुत ज्यादा नीडी लग रही थी. यू शुड नेवर, वो बोलते हैं ना, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने पार्टनर की अटेंशन की डिमांड नहीं करनी, वो अपने आप मिल जाती है आपको. यू नो आई डोंट थिंक मैंने कभी भी नील ऐश्वर्या को अंदर या बाहर ये कंप्लेन करते हुए सुना है. बट ठीक है, विक्की भी आई थिंक श्योर एक अपनी अलग एक पर्सनैलिटी है, अंकिता की एक अलग पर्सनैलिटी होगी. और अंकिता इज अ वेरी सीनियर एक्टर, आई एम श्योर शी इज बीन वर्किंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इतना हिट शो दिया है उन्होंने, आई एम श्योर शी नोज. बट हो जाता है कई बार, आई फील हो जाता होगा टेंशन पति के साथ. यू नो यू वॉन्ट कि आपका सपोर्ट आपका हस्बैंड रहे, आपके साथ रहे, आपके साथ बात करे. बट आप यहाँ पर ऑब्वियसली खेलने भी आए हो, राइट? आप सिर्फ पति पत्नी घर घर तो खेलने आई नहीं है यहाँ पर. टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, तो लास्ट सीजन हमने बिग बॉस OTT में देखा था कि यूट्यूबर्स ने यू नो शो को इतना हिट बनाया था, लेकिन इस सीजन में यूट्यूबर्स कुछ नहीं कर रहे हैं. बिग बॉस बार बार उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं और यूके राइडर भी काफ़ी बार कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं कि बिग बॉस जो है उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे, टीवी एक्टर्स को ही वो जानबूझ के अटेंशन दे रहे हैं. तो आपका क्या कहना है, क्या इस बार के जो यूट्यूबर्स हैं काफ़ी यू नो गलत चॉइस किया है बिग बॉस ने, या फिर आपका क्या टेक है? यार अब चाहे यूट्यूबर हो या टेलीविजन हो, आप सब एक प्लेटफॉर्म पर हो, राइट? अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको साथ में तोला गया. अब
अगर आप कुछ कर ही नहीं हो, लेथार्जिक हो, पड़े हुए हो, तो फिर आप नहीं दिखोगे. यू कैनॉट ब्लेम बिग बॉस कि आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है. और मुझे नहीं लगता कि एक यूट्यूबर या एक टेलीविजन एक्टर या एक बॉलीवुड एक्टर शो को चलाता है. शो को चलाते हैं मिलकर बहुत सारे लोग. आप अंदर आकर ना आप यूट्यूबर हो, ना आप टेलीविजन एक्टर हो, ना आप कोई इन्फ्लुएंसर हो. यू आर जस्ट अ पर्सनैलिटी हुज वर्कड आउटसाइड एंड हैज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ फेम और मोर अमाउंट ऑफ फेम. तो ये जो ये है कि पिछले OTT में जैसे आप बोल रहे हो, ऑफकोर्स बिकॉज पर्सनैलिटीज वर इंटरेस्टिंग, वो दिक्कत आ रही थी. अब यहाँ पर जितने भी एकाध दो लोगों को लाए हैं, जैसे आपने बोला यूके राइडर अनुराग जो भी है, वो मुझे जेन्युइनली बहुत ही डम लगता है. क्योंकि आप बार बार ना एक फॉल्स नैरेटिव दे रहे हो जा जाकर कि हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई. अगर भैया अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई तो तुमको यहाँ पे लाके खड़ा क्यों करेंगे? तुमको OTT में डालते, तुम में कुछ स्पार्क देखा होगा तब भी जो तुमको उठाकर YouTube से नेशनल टेलीविजन पर लाए हैं ना. तो ये नैरेटिव देना कि वो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको दिखा नहीं रहे, हमको ओवर पावर कर रहे, तो ऐसा कुछ करो कि जिससे आप दिखो. अभी जैसे कल के एपिसोड में उसको एक डिसेंट स्क्रीन स्पेस मिली. अगर आप कुछ करोगे नहीं, सिर्फ अपने में बैठे रहोगे, अपने बालों के साथ खेलते रहोगे, तो आप नहीं दिखोगे. राइट, बिग बॉस पागल थोड़ी है यार आपका फालतू में क्लोज. डेली शो थोड़ी रिएक्शन लगाएगा. आप कुछ करोगे तभी तो आप दिखोगे. अगर आप नहीं करोगे तो वो क्यों आपका फुटेज लगाएंगे ना. टॉकिंग अबाउट ईशा एंड अभिषेक, अभिषेक को कबीर सिंह कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया पे उसको कबीर सिंह के साथ मैचअप किया जा रहा है. आपका क्या कहना है उस पे? जिनको लग रहा है कबीर सिंह सही है, मेरे को तो नहीं लगता कबीर सिंह ऑनेस्टली. मैं जेन्युइनली एक बात बोलूँ, जो शो को चाहिए ना वो बंदा दे रहा है, 100% दे रहा है. बट बहुत जल्दी दे रहा है. पहले दिन पे झगड़ा, दूसरे दिन में झगड़ा. अभी कल के एपिसोड में देखा वो सना के साथ जो है, नॉर्मल सी बात पे दे हैड सच अ बिग आर्ग्यूमेंट. और वो ना चिल्ला चिल्ला कर किसी के ऊपर जाना, किसी को पोक करना, इतना पोक करना कि इंसान पागल हो जाए. यार मतलब तुम, आई डोंट डिफेंड कि लड़का और लड़की पर आप चिल्ला नहीं सकते. आप चिल्लाओ, बेशक चिल्लाओ अगर सामने वाला भी कर रहा है. बट अगर अगला आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आपकी भी फर्ज बनती है कि आप अच्छे से बात करो. तुम चढ़ के मुंह के, यार इतना पास कोई मुंह पे कैसे आ सकता. और जानबूझ के ऐसा अब लग रहा है कि उसको ना एक रिमोट दिया है, अभिषेक बजो तो वो बज रहा है, अभिषेक शांत हो जाओ तो वो शांत हो जा रहा है. तो बहुत ओवरडन लग रहा है वो. इट्स नॉट लुकिंग एंटरटेनिंग एनी मोर. कहीं ना कहीं खबरें सामने आ रही है कि ईशा का जो बॉयफ्रेंड है समर्थ, वो भी घर के अंदर जाने वाले हैं और घर के अंदर लव ट्रायंगल बन सकता है. तो उस चीज के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आई हैवंट हर्ड ऑफ दिस समर्थ. मुझे नहीं पता, आई एम नॉट इन लूप. अगर जा रहे हैं या बॉयफ्रेंड है तो अच्छी बात है. अभिषेक और पागल होगा, उसको भी और कॉन्टेंट फुटेज मिलेगा, तो अच्छी बात है, भेजो अंदर. ओके, टॉकिंग अबाउट शो, आपको क्या लग रहा है सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट इस समय कौन है? आई फील नावेद है एट दिस मोमेंट और सोनिया. मुझे तो ये दो लग रहे हैं एट द मोमेंट. ओके, इस हफ्ते नील एंड ऐश्वर्या भी नॉमिनेटेड हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज अंकिता ने और विकी ने मिल के स्मार्टली उन्हें नॉमिनेशंस में डाला है. तो आपका क्या टेक है? यार गेम है, आप आज नहीं तो कल नॉमिनेट हो गए ही. आप अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो, थिक फ्रेंड्स नहीं हो, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं होता है. बट यहाँ एक्सपेक्टेड था कि नॉमिनेशंस हैं. ऑब्वियसली विक्की ने उसको बचाया, अंकिता ने उसको बचाया, विक्की ने उसको नॉमिनेट किया, वो तो होना ही है. बट ये फॉर्मेट है. बट आई एम श्योर कि बोथ नील एंड ऐश्वर्या इंडिविजुअली एंड एज अ कपल आर वेरी स्ट्रांग. वो लोग इतने जल्दी बाहर नहीं आएंगे, मुझे इतना तो पता ही है. बट हाँ, हमारा फर्ज बनता है कि एज फ्रेंड्स फैमिली की उनको सपोर्ट करना, वोट करना. सो या वो तो रहेगा ही. विक्की के बारे में अगर हम बात करें तो विक्की काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. तो आपको उनका गेम कितना अच्छा लग रहा है शो में? बहुत अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली बहुत अच्छा कर रहा है. एक्सपेक्टेड नहीं था विक्की से कि वो इतना अच्छा करेगा. वो मास्टरमाइंड है यार. सेकंड एपिसोड में मैंने देख के बोल दिया था मास्टरमाइंड है वो. एंड आई थिंक आई विल नॉट से कि ही इज एन एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, बट शो में जो वो बोलते हैं ना, जब आप दाल में तड़का देते हो या खाने में तड़का देते हो, वो तड़का विक्की है. वो उसको पक्का पता है कि किधर क्या आग लगानी, किधर क्या फ्लिप मरवाना है, वो कर रहा है. ही इज अ वेरी गुड कंटेस्टेंट. आई रियली लाइक विक्की, वेरी स्मार्ट गाय. टॉकिंग अबाउट खानजादी, खानजादी ने ना टीवी एक्टर्स को लेकर एक बात कही थी कि मैं ऐसा ड्रामा नहीं कर सकती हूँ, जिसपे अंकिता लोखंडे ने उन्हें जवाब भी दिया था. और बाहर भी लोग जो है इस चीज को लेकर काफी मुद्दा बना रहे हैं. आपका क्या टेक है? जो खानजादी बात कह रही थी वो सही है या फिर गलत है, या फिर आप अंकिता के सपोर्ट में इस मामले में? सबसे पहली बात तो मुझे टैग समझ में नहीं आता टीवी एक्टर. मतलब हाउ कैन यू डिफाइन एन एक्टर बाय द मीडियम ही वर्क्स ऑन? कल को अगर मैं इफ आई एम नॉट वर्किंग तो क्या तुम मुझे क्या बोल दोगे, एक्सपायर्ड एक्टर?
टीवी अगर हम किसी मीडियम पे काम कर रहे हैं तो आप उस मीडियम की रिस्पेक्ट करो। टीवी एक्टर्स ड्रामा करें मतलब तो तुम कम कर ड्रामा कर रहे हो, जो तुम वो किचन में घूम घूम के खाना नहीं बनाऊंगी, काम नहीं करूंगी, इज इन दैट ड्रामा। तो आई फील ये लेबल करना कि टीवी एक्टर्स को ड्रामा करना आता है और मुझे नहीं आता, तो ये शो ड्रामा का ही है। अगर आपको ड्रामा नहीं आता तो टेक अ वॉलंटरीली एग्जिट एंड गो आउट। बट ये बोलना कि टीवी एक्टर्स ड्रामेबाज हैं, हमें ड्रामे नहीं आता, ये बुलशिट है। ये ना, दिस इज जेन्युइनली ये एक टैबू है जो निकल जाना चाहिए कि एक एक्टर को डिफाइन करो उसके मीडियम से। कल को मैं अगर म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूं तो क्या मैं म्यूजिक वीडियो एक्टर हो गया? यू सी, यू गेट माय पॉइंट। आप किसी एक्टर को लेबल मत करो। अगर आप लेबल कर, अगर आप कर भी रहे हो अनफॉर्चुनेटली, तो ये मत बोलो कि टीवी एक्टर्स की तरह ड्रामा मत करो, ये मत करो, बिकॉज दिस इज जेन्युइनली वेरी अनोइंग। आप ड्रामा करोगे नहीं तो आप शो में दिखोगे नहीं, तो ये शो आपके लिए है ही नहीं, तो गो फाइंड अनदर शो देन। टॉकिंग अबाउट मुनावर, मुनावर भी काफी अच्छा स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, आपका क्या टेक है उस पे? बिकॉज यू नो बाहर ही काफी सारे एक्टर्स का उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। अच्छा पर्सनालिटी है, फन पर्सनालिटी है। मैंने कभी उनका काम देखा नहीं, उनका स्टैंडअप एंड अप देखा नहीं है, जो लास्ट शो में थे मैंने देखा नहीं है, बट जितना देखा है अच्छे फन पर्सनालिटी है, एंटरटेनिंग है, और उनकी और मनारा की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी है। तो आई होप, मैं तो चाहता हूँ इनका कुछ हो जाए, मजा आ जाएगा, एक और कपल आ जाएगा अंदर। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? देखो, आपके टीवी ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट। गॉन आर द डेज जब ऑडियंस को सिर्फ वही दिखता है जो टीवी पे दिखता है। आई एम श्योर आपके फेवरेट्स होंगे, बट गिव अदर कंटेस्टेंट्स अ चांस ऑल्सो। यू हर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक या चार या दो हफ्ते में एकदम से कंटेस्टेंट बाहर आ जाए। आई नो टाइम क्लिकिंग शो है, ज्यादा टाइम नहीं होता है, बट जस्ट ट्राई सपोर्टिंग योर फेवरेट कंटेस्टेंट्स। अननेसेसरी बैकलैश मत पास करो, ट्रोलिंग मत करो, नॉट जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स आर इनसाइड, बट किसी के लिए भी अननेसेसरी ट्रोलिंग मत करो। अच्छे से शो को देखो, डोंट टेक द शो टू सीरियसली, इट्स जस्ट अ नॉर्मल शो है, नॉन फिक्शन है, बट उसको इतना बड़ा मुद्दा मत बना दो कि आपकी लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाए वो। और बाकी बस देखते रहो, चिल करो, एंड आई एम श्योर नील और ऐश्वर्य अच्छा ही करेंगे, एंड आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग फॉर देम। आयशा सिंह का नाम भी सामने आया था कि बिग बॉस के घर में आयशा भी जाने वाली हैं, लेकिन जब आयशा को ये पता चला कि नील एंड ऐश्वर्या एज अ कपल जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट में उन्होंने बैकआउट किया था, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिकॉज आपने दोनों के साथ काम किया है। यार ऑनेस्टली आई एम नॉट इन टच विद आयशा, हमारी बातचीत उतनी नहीं होती है, इनफैक्ट ना के बराबर ही है शो के बाद। जो भी एक आध दो बार मिले हैं, इवेंट इवेंट गणपति पे मिले हैं, आई डोंट थिंक शी एनी वे वॉन्टेड टू डू बिग बॉस। अब आप ही बोल रहे हो मुझे पता नहीं, बट जितनी मेरी उससे बात हुई है, जितना मैं उसको जानता हूँ दो साल में, आई डोंट थिंक शी वॉन्ट्स टू डू बिग बॉस, एटलीस्ट फॉर नाउ। बट अगर नीलेश्वर्या गए हैं तो आई थिंक वो उनका आपसी लुकआउट है कि वो क्यों नहीं गई। मैं उसके बीच में टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तीन लोगों के बीच में नहीं आता, मेरा बहुत फंडा क्लियर है। कल को अगर सब मिलकर अच्छा हो गया तो मैं बुरा बन जाऊंगा, सो इट इज बेटर कि मैं ही रहूं। और अगर जाती है तो ऑल माई विशेज टू हर, शी इज अ वैसे अ वेरी फन पर्सनैलिटी, टाइम पास लड़की है वो भी, बट आई डोंट थिंक दैट शी इज कट आउट फॉर बिग बॉस, एटलीस्ट वॉट शी सेज कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। सो या उसकी जब चॉइस होगी वो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.